Hey डॉक्टर राहुल राइट right? जो खुद एक एम बी बी एस डॉक्टर है और हम बहुत सारे सवालों के जवाब इनसे पूछने वाले हैं बिकॉज मेरे से जब बहुत सारे स्टूडेंट सवाल पूछते हैं तो मैं जवाब तो दे सकती हूँ बट जब डॉक्टर खुद जवाब दे तो उसका इम्पैक्ट जो है वो काफी अलग बिल्कुल, होता है तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है कि किन स्टूडेंट्स को पहला क्वेश्चन यही आता है कि हमें गवर्नमेंट है, है. है. So, है, है पर आपके हिसाब से किन स्टूडेंट्स को कहीं ना कहीं एम बी बी एस अब्रॉड के लिए जाना चाहिए देखिये अर्सी मैम अब्रॉड एम बी बी एस को लेकर जो जितने भी फैक्टर है उन पर मैं बात करने वाला हूँ जैसे आरजी मैडम ने क्वेश्चन किया कि कई बच्चे हैं जिनके पास फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो प्राइवेट इंडिया में फ़ीस एफोर्ड कर पाएँ तो वो क्या अब्रॉड जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए सीधे से पॉइंट की बात यह है बेटा कि अगर मेरा एक ही मानना है अगर आपको लगता है कि हम ड्रॉप लेके अपने स्कोर को बहुत अच्छा कर सकते हैं और इवन हम गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हैं अगर हम प्राइवेट नहीं जा पा रहे तो आपको एक ड्रॉप लेना चाहिए क्यों क्योंकि किसी भी कंपटीशन में जब हम अपेयर होते हैं तो हमारे मन में ये नहीं निकलना चाहिए कि यार हम ऐसा कर लेते तो शायद सेलेक्ट हो जाती तो अपना पहले हंड्रेड दे लो अगर नहीं दे पाए तो एक ड्रॉप और ले लो लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ये कहना होता है कि सर अब हम सब कुछ कर चुके हैं हम इस मार्क्स से ऊपर हमें उम्मीद नहीं है या हमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम अगली साल नीट में अपियर होके कुछ बड़ा कर पाएंगे तो ऐसे बच्चों को मैं कहना चाहूँगा बेटा कि अगर आप कुछ और प्लान कर रहे हैं उससे अच्छा एक ऑप्शन आपके पास अब्रॉड एमबीबीएस हो सकता है मेरा दूसरा तो का वो का बच्चे है? जिनके मार्क्स 117 लाइट थोड़ा सा कलर को लाइट करें मैडम वो बच्चे जिनको 117 मार्क्स से एवम मार्क्स हैं जनरल कैटेगरी में और 500 के बीच में और जो प्राइवेट या डीम्ड यूनिवर्सिटी की फ़ीस पे नहीं कर पा रही हैं यहाँ पर अगर वो रिजर्व कैटेगरी से हैं तो 93,000 से लेके जो भी कैटेगरी का हो 400 मान लेता हूँ तो अगर इस रेंज में आप लोग हैं और प्राइवेट का फीस एफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं ड्रॉप लेने पर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं बचा कि अगली साल इतना अच्छा स्कोर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे तो बेटा आपको अब्रॉड जाना चाहिए जो आर मैडम ने मुझसे क्वेश्चन किया है उसका आंसर ये है अब दूसरा जवाब है जवाब बोल रही हूँ मैं तो सिंपल सी चीज़ है कि हम हमारे पास एक ऑप्शन है हम यहाँ से डॉक्टर नहीं बन पाए पर हम कहीं और से जाके बन सकते हैं ऑबियसली डॉक्टर बनने के बाद हमारे मन में यही है कि हमें प्रैक्टिस करनी है भले हम दूसरी कंट्रीज की बात करें तो वहाँ के लोग तो उतने हमसे फेमिलियर होंगे नहीं वो हमसे अपना इलाज कराने आएंगे नहीं।, नहीं तो हमें अपना देश याद आएगा तो क्या ऑप्शन क्या रहता है जैसे इतने बच्चे जाते हैं और वो इंडिया में आके प्रैक्टिस कर सकते हैं हाँ, क्या ऑप्शन उसके जा? लिए अभी तक एक एग्जाम होता है जिसको हम एफएमजीई बोलते हैं फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जाम अगर वो बच्चे जो फ़ौरन से एम बी बी एस करके आ रहे हैं अगर वो उस एग्जाम को क्वालिफाइड कर देते हैं तो वो वैलिड हो जाते हैं इंडिया में प्रैक्टिस करने के इवन मैं ये कहूँ कि उनकी डिग्री वैलिड हो जाती है इंडिया की एम बी बी एस डिग्री के लेकिन मैं एक बात और इस चैनल के माध्यम से बता देता हूँ कि इसका रेशियो बहुत कम है अप्रोक्सीमेट नाइन्टी परसेंट बच्चे जो हैं वो फेल होते हैं यानी इसको पासिंग का रेशियो जो है वो टेन परसेंट है अब ये पासिंग का रेशियो इतना कम क्यों है उसके पीछे के तीन चार रीज़न है मैंने एक चैनल पर वीडियो डाला भी है मैं ब्रीफ़ में बता देता हूँ कि बच्चे क्या होता है यहाँ से जाते हैं एम बी बी एस करने लेकिन वहाँ पर क्या है उनको जो माहौल मिलता है तो वो फ्री हाँ प्री, प्री। फ्री फ्री टाइप का माहौल रहता है और वहाँ वो अदर एक्टिविटीज़ में लाइक कोई बच्चे बी आर का नशा करने लग गए कई बच्चे जो हैं वो अदर एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो गए तो मतलब कहीं ना कहीं वो पढ़ाई से दूर हो जाते हैं और यहाँ की जो एम की पढ़ाई के जो सब्जेक्ट हैं और एब्रॉड के जो सब्जेक्ट हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस भी है क्योंकि तो वहाँ पर कुछ पर्सनल लैंग्वेज जो उनकी लोकल लैंग्वेज है उनको भी पढ़ाया जाता है तो कहीं ना कहीं बच्चे का जो फोकस है वो मेन स्ट्रीम से हट के दूसरी स्ट्रीम पर हो जाता है लेकिन कुछ अच्छे बच्चे वो लोग क्या करते हैं यहाँ से जाते एब्रॉड एम करने ज़रूरी हैं ज़रूर हैं लेकिन वो इंडिया के कल्चर और इंडिया के पैटर्न पर ही फोकस रहकर मेहनत करते हैं ऐसे बच्चे एफ आसानी से निकाल लेते हैं अब इसी के साथ तो अगर आपने एफ एम जी क्वालिफाइड कर लिया तो आप वैलिड हो जाएंगे इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए और एक और चीज यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि नेक्स्ट ईयर मतलब 2023 में नेक्स्ट करके एक एग्जाम एग्जाम होने वाला है जो FMG का replace होगा तो ये exam एक तरीके से एग्जिट एग्जाम के नाम से जाना जाएगा नेक्स्ट करके ये दोनों को देना होगा चाहे आप अब्रॉड से एमबीबीएस की हो चाहे इंडिया से एम बी बी एस की हो पर यह इंडिया से की होगी तो उसी कल्चर में पढ़ाई की है उसी पैटर्न पर पढ़ाई किए तो चांसेस इसके ज्यादा होंगे निकलने लेके अगर आप एब्रॉड जा रहे हैं तो मेरी एक पर्सनल सजेशन ले जाएं कि बेटा इंडिया के पूरे सब्जेक्ट पांचों साल के याद करेंगे कौन कौन से हैं और कोई ना कोई एक, एक एप, मैं किसी एप का नाम इसलिए नहीं लूंगा कि आपको लगेगा कि सर ऐड कर रहे हैं कोई ना कोई ऐप जो कि तैयारी कराता है पीजी की वो ऐप की एक मेंबरशिप लेके जाए तो रहें हुआ यहाँ की पीजी के हिसाब से पढ़ते रहें तो आपके लिए बहुत अच्छा हुआ आप कुछ बोल रहे थे मैं बीच में काट रही थी थोड़ा सा कंफ्यूजन था बट मेरे माइंड में एक सवाल जो है ना वो बार बार पता नहीं क्यों उचक रहा था राइट आ रहा था दिमाग में समझ नहीं। में नहीं आ रहा था कि मैं एम बीबीएस अब्रॉड के लिए जा रही हूँ या जा रहा हूँ वो इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि मुझे एमबीबीएस करना है और उसके बाद मुझे एज अ डॉक्टर प्रैक्टिस करना है बट यहाँ पे आपने बताया नाइन्टी परसेंट बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं तो उनके पास ऑप्शन क्या बचता है उनके पास दो ही ऑप्शन बचते हैं कि बेटा या तो अच्छे से पढ़ के फिर से एफ दे दो इसमें तीन अटैम्प्ट होते हैं बहुत अच्छे से पढ़ के दे दो अगली बार में सिलेक्ट हो जाओ अगर बेटा आप नहीं करेंगे तो आपके पास कोई बहुत अच्छे ऑप्शन नहीं है आप ऐसे हो जाएंगे कि ना इधर के ना उधर के तो इसलिए वहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ाई करो फिर आपके पास एक ऑप्शन है कि आप जिस कंट्री से करके आए उसी कंट्री में जाके प्रैक्टिस करो पर वहाँ उतनी तवज्जो आपको मिलने वाली नहीं है या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि यहाँ किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके काम करो वहाँ पर भी आपको तवज्जो मिलने वाली नहीं है जिस रेस्पेक्ट के लिए आप कहे थे एम बी बी एस बनने के लिए वो रेस्पेक्ट आपको जब तक इंडिया में नहीं मिलेगी जब तक आप ये एग्जाम क्लियर नहीं करेंगे तो इन शॉर्ट कहीं ना कहीं अगर आप मेहनत करते हो तो आपके पास ऑप्शन है क्योंकि ये इंडिया वाले स्टूडेंट्स के लिए भी वैलिड है जस्ट दैट यहाँ का जो कोर्स है वो इसके हिसाब से डिजाइन डिजाइन है है राइट वहां पे भी जाके अगर आप इसी करिकुलम के हिसाब से पढ़ते हैं तो आप आके प्रैक्टिस कर सकते हैं और वहां पर सब्जेक्ट ही है लेकिन उतनी डेप्थ में नहीं है प्लस अदर सब्जेक्ट भी ज्यादा है तो कहीं ना कहीं बच्चे का इन सब्जेक्ट से फोकस हट जाता है और ये सिर्फ इंडिया के साथ नहीं है जैसे अगर हम यूएस की बात करें तो वहां पर भी यूएसएमएल का एग्जाम होता है जिसकी बेसिस पे वहां पर लाइसेंस मिलता है प्रैक्टिस करने का तो जो थोड़ी सी अच्छी कंट्रीज हैं राइट जहाँ पे मेडिकल एजुकेशन काफी नोन है उन सभी जगह पर ये ऑप्शन रहता है तो इन शॉर्ट आपको एम के लिए नीट के लिए तो पढ़ाई ये है आपने बट आपको ये 5 साल 6 साल भी जो है वो कहीं ना कहीं पढ़ाई करनी है अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है कि कौन-कौन सी कंट्रीज के ऑप्शन हैं जिनको स्टूडेंट्स हाँ। देख सकते हैं देखो अगर मैं कंट्री की बात करूं तो कंट्री आपके पास काफी हैं लेकिन जो टॉप कंट्री हैं और क्यों हैं इस पे भी मैंने डिटेल बात की है लेकिन फिर भी मैं बता दूं क्रिक्रिस्तान एक ऐसी कंट्री है जो अभी जितनी भी कंट्री आपके पास होंगी चाहे वो रूर रसिया हो चाहे वो जॉर्जिया हो चाहे वो इजिप्ट हो चाहे नेपाल हो चाहे बांग्लादेश हो चाहे चाइना हो उन कही कही सब में कहीं ना कहीं पैकेज किर्गिस्तान का सबसे कम है तो अगर मैं ऑर्डर वाइज आपको सिक्वेंस बताऊं जो आपको जाना चाहिए क्योंकि देखो बेटा एम में वहां स्टडी को लेकर बहुत ज्यादा कुछ है नहीं आपको इंडिया कल्चर से टच रहना पड़ेगा इंडिया के अकॉर्डिंग स्टडी करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं आपके वाले एम करने जा रहे हैं तो कम बजट में हो जाए तो आपके पास किर्गिस्तान एक अच्छा ऑप्शन

आर्मेनिया ऐसी जगह है वहाँ जाना चाहिए लेकिन मैं अगर पर्सनली सजेस्ट करूँ तो बेटा आपको तीन चार कंट्री हैं जो टारगेट करना है वो है किर्गिस्तान कजाकिस्तान रसिया और साथ में कर सकते हैं तो आप बांग्लादेश को कर सकते हैं अब इसमें एक और क्वेश्चन है मेरा राइट जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली मैं एक सेमिनार में गई थी वहाँ पे कई सारे पेरेंट्स बिकॉज हम इंडियन हैं यहाँ पे हम ज्यादातर रिलीजन जो है वो हिंदूज में है राइट

तो जब हम एम बी बी एस क्योंकि बींग पेरेंट्स बींग स्टूडेंट हमारे दिमाग में ये एक थॉट आता है अगर वहाँ हो सकता है तो ऐसा तो नहीं है कि हम जिन कंट्रीज में जा रहे हैं तो जब हम कंट्रीज चूज़ कर रहे होते हैं तो किन चीज़ों का हमें ध्यान देना चाहिए देखो अर्सी मैडम जो यूक्रेन के साथ हुआ वो बिल्कुल अनसर्टेन था उसमें हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा कुछ है ऐसा किसी के साथ भी ऐसा इंडिया में भी हो सकता है कल की डेट में चाइना आप लोगों के साथ बाहर स्टार्ट कर दे तो आप इंडिया के एमबीबीएस भी खतरे में तो ये एक अनसर्टिनिटी तो कहीं भी हो सकती है लेकिन फिर भी उसके बाद भी ऑप्शन है मेरे पास कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो यूक्रेन रिटर्न है वो काउंसलिंग के लिए आ रहे हैं तो इंडिया ने एक परमिट कर दिया है कि अगर आपने यूक्रेन से एमबीबीएस किया तो आप किसी भी कंट्री में जाके अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो उसके लिए इंडिया गवर्नमेंट भी आपके साथ होती है जिस कंट्री की आप उस कंट्री की गवर्नमेंट भी आपके साथ होती है मतलब बच्चों के साथ सबकी सहानुभूति रहती है तो कहीं ना कहीं

तो अगर आपके दिमाग में ये सवाल है आप डिस्कस करना चाहते हैं कि आपके हिसाब से कौन से कॉलेजेस कौन सी कंट्रीज जहाँ पे आपकी प्रिपरेशन भी हो सके पैरेलली तो नीचे जो फॉर्म दिया है उसको फिल करके आप डिटेल्स ले सकते हैं नंबर दिया है कॉल करके भी पूछ सकते हैं अपने सारे सवाल भले वो छोटे हों बड़े हों बिकॉज इसके लिए भी बच्चों के पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं और वो कॉल ऐसे होते हैं कि आप सब पे रिलाई नहीं कर सकते हैं बिकॉज ये कोई ऐसा तो है नहीं कि हम दिल्ली जा रहे हैं कि कुछ होगा तो हम पेरेंट्स से कम्युनिकेट कर लें। आप एक दूसरी कंट्री जा और एक और चीज आरसी मैडम आपने ये क्वेश्चन उठाया था मैं बोल दू बहुत सारे कंसल्टेंट है जो आपको टोटल मिस करते हैं आपको यहाँ कुछ और बताया जाता है और वहाँ का सीनियर कुछ और होता है आपको यहाँ पर फीस कुछ और बताई जाती है वहाँ का सीनियर कुछ और होता है तो मार्केट में नो डाउट मुझे कहने में बिल्कुल भी ये चक नहीं है कि बहुत सारे कंसल्टेंट बहुत अच्छे हैं एब्रॉड के नाम पर मतलब वो एक्सपर्ट भी हैं उनमें से आरसी मैडम भी एक हैं जो एक्सपर्ट है लेकिन बहुत सारे कंसल्टेंट ऐसे भी हैं जो कहीं ना कहीं आप बच्चों के साथ मिस करते हैं गलत तरीके से बात करते हैं और गलत इंफॉर्मेशन देकर आपका एडमिशन ले लेते हैं तो आप किसी से भी कराएं मैं कोई मैं किसी का पर्टिकुलर नाम लेके नहीं कहना चाह रहा लेकिन जहाँ भी कराएंगे आपको एक वेरीफाई करना चाहिए कि किसको कितना नॉलेज है और जो बात कंसल्टेंट द्वारा बोली जा रही है वो टिल डेट मतलब जहाँ तक आप एम बी बी एस कंप्लीट करेंगे तब तक वही बातें रहें तो आप कुछ बता रहे थे जिसको हाँ तो... आर्जी मैडम आपने जो क्वेश्चन किया था कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए तो सबसे पहली बात तो बेटा एब्रॉड एम बी पे काम करता है पैकेज मेरा जो पर्सनल काउंसलिंग का एक्सपीरियंस है मैंने जितने बच्चों को काउंसिल किया उनका केवल कहीं ना कहीं पैकेज एक बड़ा फैक्टर होता है एब्रॉड में जाने के लिए जैसे अगर मैं बात कर लूँ कि किर्गिस्तान कजाकिस्तान में अगर वो पैकेज पंद्रह लाख सोलह लाख पे जा रहा है तो वही पैकेज फिलीपींस में तीस लाख पैंतीस लाख पे पहुंच जाता है तो कहीं ना कहीं पैकेज आपको ध्यान में रखना है जो डिसीजन लेना है दूसरा वहां की वेदर कंडीशन क्लाइमेटिक कंडीशन और इन्वायरमेंट कैसा है गर्ल्स के लिए कैसा है हालांकि जितनी भी कंट्री के मैंने नाम लिए हैं वो सभी गर्ल्स के लिए सेफ़ हैं और एक और कि हॉस्टल में जो माहौल है उसमें इंडियन खाना है कि नहीं कभी ना कभी, कभी कई कंट्रीज़ में इंडिया पाकिस्तान के डिस्प्यूट देखे जाते हैं तो वो हॉस्टल सेपरेट है कि नहीं कई बार कई कंट्रीज़ या कई कंट्रीज़ तो नहीं बोलूँगा मैं कई यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जहाँ पर हॉस्टल में सारे बच्चों को एक साथ रख दिया जाता है तो वहाँ पर झगड़े वगड़े ज़्यादा होते हैं बल्कि कई यूनिवर्सिटी ऐसी हैं जहाँ इंडिया के लिए बिल्कुल सेफ कर दिया जाता है कि इंडियन बच्चों को यहीं रखा जाएगा तो ये सारी बातें आपको करना पड़ेगा तो मेरा तो एक आपसे रिक्वेस्ट है कि कहीं भी जाए पूरी रिसर्च अपने लेवल पर करें एक कोई एक्सपर्ट कंसल्टेंट से भी जरूर सलाह लें और उसके बाद स्टूडेंट से भी कनेक्ट करें जो पढ़ रहे हैं स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स और उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं डिसीजन ले कि आपको क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए बजट का इन्होंने आपको बताया खाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखती हूँ आपको वहां पांच साल रहना है राइट तो आप अगर वहां पर ये सारी चीजें नहीं देखेंगे

और ऐसी वीडियोस के लिए बने रहना हमारे साथ आई होप यू लाइक दिस वीडियो फॉर मोस्ट सच वीडियो कीप वॉचिंग आर चैनल एंड डू डिनोट फोर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब